अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके सामने जो डॉक्यूमेंट्री पेश करने की सआदत हासिल कर रहे हैं वो आलम इस्लाम और इस कायनात के मुतबर्रिक तरीन मकामात हैं। ये दो शहर जिनको मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के नाम से जाना जाता है, हर मुसलमान इन दोनों मकामात से ख़ास अकीदत और मोहब्बत रखता है। आइए इसके बारे में डॉक्यूमेंट्री मुलाहिज़ा कीजिए। हरम मक्की और हरम मदनी के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। ये दोनों शहर अल्लाह के नज़दीक बेहद मुकर्रम और अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में बहुत ज़्यादा महबूब हैं। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मक्का मुकर्रमा की कसम खाई है, जो बज़ाते खुद इसकी अजमत और तकद्दुस की दलील है। फरमाया, कसम है इंजीर की, जैतून की और तूर सीनीन की और बलद अमीन की। यहाँ बलद अमीन से मक्का शहर मुराद है। एक जगह इरशाद फरमाया, क्या वो लोग ये नहीं जानते कि हमने मक्का को अमन वाला हरम बनाया है। इस शहर मुकद्दस में अल्लाह का घर है, जो तमाम मुसलमानों का क़िबला भी है और फरीज़ा हज की अदायगी का मरकज भी। इस शहर के लिए और इस शहर के रहने वालों के लिए अल्लाह के महबूब पैगंबर हज़रत इब्राहिम ने बेशुमार दुआएं मांगी हैं। ये शहर अल्लाह के आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश भी है और मकाम तरबियत भी है। आप इसी जहाँ फिजा वादियों में पल कर जवां हुए, इसी शहर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाज़िल हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस शहर से बेपनाह मोहब्बत थी। मक्का वो शहर है जिसमें मीकाती के लिए एहराम पहनकर दाखिल होना लाजिम है। इस शहर के दरख्त काटना, पत्ते तोड़ना, शिकार करना तक हराम है। हुदूद हरम में किसी मुशरिक का दाखिल होना हद यह है कि उसकी हुदूद से गुजरना भी जायज़ नहीं। इस शहर की अजमत का क्या ठिकाना, दुनिया भर में जहाँ जहाँ नमाजें पढ़ी जाती हैं मुसलमानों का रुख इसी की तरफ होता है। मुसलमानों के लिए अल्लाह का घर जो इस सरजमीन पर कायम है, मस्जिद हराम में अदा की गई नमाज का सवाब 1,00,000 नमाजों के बराबर है। अल्लाह की मसाजिद की रखवाली सिर्फ ईमान वाले कर सकते हैं। ये जिम्मेदारी एक अरसे से सऊदी हुक्मरानों को हासिल है। सऊदी फरमारवा अब्दुल अजीज़ से सलमान बिन अब्दुल अजीज़ तक और उनके हमरा शहजादा मोहम्मद बिन नायफ और मोहम्मद बिन सलमान भी इस मदद फरहम करते हैं। हर लम्हा इस बात पर नज़र रखी जाती है कि कोई छोटी या बड़ी गफलत ना हो जाए और हर दम दोनों मसाजिद को ज़ायरीन और हुज्जाज के लिए तैयार रखा जाता है। मुनव्वरा आपका मकाम हिजरत भी है और आखिरी आरामगाह भी। ज़मीन का वो टुकड़ा जो आपके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना मुनव्वरा बेहद अजीज था। आप इस शहर के लिए ये दुआ फरमाया करते थे, ए अल्लाह, तेरे खलील, तेरे रसूल और तेरे नबी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तुझसे अहले मक्का के लिए दुआएँ मांगी हैं। मैं तेरा बंदा और तेरा रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझसे अहले मदीना के लिए वही दुआएं मांगना चाहता हूं जो हज़रत इब्राहिम ने अहले मक्का के लिए मांगी हैं। ये दोनों शहर अहले ईमान के लिए हमेशा से मरकज़ से अकीदत हैं और हमेशा रहेंगे। इन दोनों शहरों से मुसलमानों का रिश्ता मोहब्बत और इश्क का है, अकीदत और एहतराम का है। ये रिश्ता कभी कमज़ोर नहीं हो सकता।